Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Hera Ferry film देखी है? उसमें परेश रावल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. उसको पैसे आने वाले हैं. वो सबको बोलता है, ये बाबा देख मेरे को है ना पूरे घर में प्लास्टिक पेंट होना, कुएं के अंदर बार वॉलपेपर होना. अरे पीटर तू एक काम कर रहा बाबा, तू है ना मस्त है ना हर महीने दारू का टंकी लेके आने का और ऊपर पानी का टंकी है ना उसमें डाल देने का. जब मन करेगा मैं टंकी खोलेगा और दारू पी लेगा. ये बाबा मेरे को उधर का चक्कर नहीं मांगता रे, लेके जाओ लेके जाओ बाबा. सुनो बाद में फिर राजू आके बोलता है परेश रावल को कि अभी क्यों बुला रहे हो, हाँ तीन चार दिन के बाद बुलाओ, पैसे आए नहीं अब से बुला रहे हो. परेश रावल बोलता है प्लान में थोड़ा चेंज रहने का बाबा, एक काम करो संडे को आओ मस्त नहा धो के संडे को आओ, सबका पैसा देता हूँ. ऐसे कुछ हुआ है कल जितने भी जनता है उनके साथ एंड स्पेशली मेरे साथ. इसलिए गाइस ये पॉलिटिकल न्यूज, लीगल न्यूज या कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज ये सब मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि कब यू टर्न हो जाए सब चीजों में इसका कुछ कंफर्म नहीं होता. फिल्मों का क्या है, एक्टर साइन किया कर रहा है हो ही जाता है, ज्यादा से ज्यादा उसका रोल कट जाएगा फाइनल एडिट में, उसका रोल नहीं दिखाया जाएगा. लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा यू टर्न मैंने कभी नहीं देखा. कल भी जब ये न्यूज आई थी मैंने वेट किया कब तक यू नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, फिर मैंने खुद अपने कानों से सुना कि जो मिनिस्टर साहब है वो बैठकर ये सब बोल रहे हैं, तब जाके मैंने वो पॉइंट्स नोट डाउन किए, तब जाके मैंने आपको वीडियो बना के बताया. लेकिन वो कहते हैं ना दिल के अरमान आंसू में बह गए, एंड यही हुआ है सभी लोगों के साथ. फ्रेंड्स कल मैंने बताया कि इस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अब अनलॉक का जो प्लान है वो पांच फेजेस में अनाउंस किया है, यानी कि लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर, लेवल फाइव. बकायदा लेवल वन में 18 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से जहां पर थिएटर, सिनेमा हॉल, सलून, स्पास ये सब कुछ खुल जाएंगे, एंड स्पेशली फिल्म की शूटिंग जिसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं वो होने का परमिशन मिलेगा. लेकिन गाइज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर क्यों मिनिस्टर साहब ने जो गन है उसको पहले ही जंप कर दी, मतलब यानी कि इतना उत्साहित हो गए कि अनाउंस कर दिए, लेकिन गाइज यहाँ पर बाद में जो यू टर्न है वो आया, इसके बाद सब कुछ पचका हो गया. फल फ्रेंड्स यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल्स है वहां पर उन्होंने कहा है कि द गवर्नमेंट्स पब्लिसिटी डिपार्टमेंट इशूड अ क्लैरिफिकेशन दैट फाइव स्टेप अनलॉक डाउन वॉज ओनली अ प्रपोजल, यानी कि मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ ये प्रपोजल था कि हम लोग ऐसे जो स्टेटमेंट है वो बाद में वापस इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हुए नहीं है वो करेंगे. हाँ कोविड का सेकेंड वेव है अभी तक खत्म नहीं हुआ है, रूरल एरियाज में अ प्रपोजल बींग एग्जामिन्ड ऑन हाउ द लॉकडाउन कैन बी रिलैक्स्ड, ऐसा वो लोगों ने कहा है एंड हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं एंड हम लोग जब ऑफिशियल हो जाएगा तब आप सभी लोगों को यहाँ पर बता देंगे. अब ये क्यों मिनिस्टर साहब ने खुद आके सामने से अनाउंस कर दिया कि ये होगा वो होगा ये किसी को भी नहीं पता यहाँ पर, एंड बाद में जब मिनिस्टर साहब को पूछा तब उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन यू नो बाद में आप सभी लोगों को आ जाएगा, जब तक चीफ मिनिस्टर कन्फर्म नहीं करते ये सारे के सारे चीजें जो है वो यहाँ पर अभी कन्फर्म नहीं है. ऑपोजिशन वालों ने कहा कि पूरी की पूरी सरकार जो है वो फिलहाल कंफ्यूजन में है, यहाँ पर कोई मिनिस्टर आके बोलता है कि अनलॉक हो चुका है, बाद में चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि कोई अनलॉक नहीं है, पब्लिक यहाँ पर एकदम कंफ्यूज हो चुकी है कि अनलॉक है कि अनलॉक नहीं है, अनलॉक है कि अनलॉक नहीं है. तो गाइस ये कल बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है. मिनिस्टर ने आके कहा कि अनलॉक हो चुका है और बाकायदा इतने बड़े बड़े रूल्स दे दिए कि अनलॉक हुआ है, लेकिन बाद में चीफ मिनिस्टर आके कहते कि नहीं. कैसा हूं आपको बताता हूं, 4:00 शाम को 6 मिनट पर जो मिनिस्टर है उन्होंने 5 लेवल का अनलॉक अनाउंस किया, 6:20 पर जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट उन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्शन नॉट लिफ्टेड, ऑफिशियल डिसीजन येट टू बी टेकन. 7:17 वही मिनिस्टर नागपुर जाते हैं एंड वहां पे कहते हैं कि प्रिंसिपल नॉट जो है अनलॉक का वो मिलेगा चीफ मिनिस्टर द्वारा, फाइनल डिसीजन वो लेंगे. रात को चीफ मिनिस्टर की तरफ से आता है कि बस हम लोग ये प्लान डिस्कस कर रहे थे, ऐसा कोई प्लान नहीं है. सो गाइस देयर इज नो अनलॉक एंड हमारे जो पहले के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा है कि अगर खुला है तो कहाँ खुला है और अगर नहीं खुला है तो कब खुलेगा. क्यों आप लोग जनता के साथ ऐसा मजाक करते हो कि खुल चुका है नहीं खुल चुका है, एंड उन्होंने कहा है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो फाइनल अनाउंसमेंट बाद में करेंगे एंड इसका डिसीजन थोड़ी देर के बाद लिया जाएगा. सो गाइस अभी तक फिलहाल कुछ भी नहीं खुला है
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती सरकार प्रशासन की है कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट रिलीज किया प्रेस में एंड उनके मिनिस्टर ने खुद आकर ये सामने से बात कही कि यू नो सब अनलॉक हो रहा है. ओके गाइस, सो देयर इज नो अनलॉक राइट नाउ, नो सिनेमा हॉल्स एंड नो शूटिंग परमिशंस हैव बीन गिवन इन महाराष्ट्र. लेट्स सी, अब जब ऑफिशियली खुद चीफ मिनिस्टर आके बोलेंगे या फिर कुछ स्टेटमेंट रिलीज होगा जो जाकर सीधा फेडरेशन तक लेटर जाएगा, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना तब तक इस पे वीडियो नहीं बनाने वाला हूं. आई एम डन. ऑलवेज से स्टे कूल मैन.